अगर आप कुछ और ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, मेंस बिल्कुल क्लियर है। शॉर्ट नोट्स हो ना डेली के डेली आधे घंटा बैठ के बस एक बार रिव्यू कर, इससे मैं गारंटी ले रहा हूँ फिजिक्स के अंदर आपके 70-80 मार्क्स ना आ जाए। भाई सबसे पहले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अभी चैनल आपकी आगे जेई प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो आप आराम से 90-80-70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली कर सकते हो। बस ध्यान से इन हैक्स को जो मैं आपको बताऊंगा इसको ध्यान से समझकर आज से ही अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। जहां से जो चीज करने को जैसे बोलूंगा बिल्कुल एज इट इज कर लोगे, गारंटी में ले रहा हूं 60-70 मार्क्स आने ही आने हैं फिजिक्स में, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो टारगेट कॉलेज नीचे कमेंट करना, और बस 5 मिनट जो आपकी एक्चुअल है ना कि वीडियो को स्किप कर देते करते उसको दबा लो और बस सुनते जाओ एंड तक। सबसे पहले गेम को समझो क्या है, क्या है फिजिक्स के अंदर, कहीं से भी आसान सवाल बन सकता है, कहीं से भी कठिन सवाल बन सकता है। तो आपका सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपका सिलेबस सारा टच होना चाहिए, चाहे आपने वन शॉट से ही क्यों ना टच किया हो। दूसरा, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है और फोकस्ड, क्योंकि 60-70% क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज की तरह आएंगे। और ऐसे ही पीवाईक्यूज करने के लिए आप इस तरीके की एक बुक ले सकते हो, मेरे को दिशा की बुक बहुत बढ़िया लगी, एरएलएस 46 इयर्स जेई एडवांस एंड जेई मेंस पीवाईक्यूज, एडवांस के क्वेश्चन 1978 से 2023 तक और मेंस के क्वेश्चन 2013 से 23 तक के आपके सारे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो भाई चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले तो ये 5000 से ज़्यादा पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, 100 टॉपिक्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं। तो मान लो मैं कोई एक चैप्टर खोल लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने एक कोई चैप्टर यहाँ से खोल लिया, मान लो ये चैप्टर खोल लिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सवाल हैं, बट देख सकते हो टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये बुक तो यार इस समय आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई, अगर पीवाईक्यू से सॉल्व करें तो आपने करा क्या, और यहाँ पर टॉपिक वाइज डिवाइडेड है तो भाई आपको और मज़ा आ जाएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके पीवाईक्यू कर लिए। इसके अलावा एंड में देख सकते हो इस तरीके से आपको डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन इनके काफ़ी डिटेल्ड रहते हैं, आप देख सकते हैं, देखो कितना डिटेल में सोल्यूशंस लिख रखे हैं। एंड इसके अलावा सबसे बढ़िया बात क्या है कि इनके जो सारे सॉल्यूशंस हैं ना वो एररलेस हैं, एररलेस हैं, ये क्लेम करते हैं द बुक इज़ कम्प्लीटली एररलेस, तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। स्क्रीन पर आपको कॉम्बो इमेज भी दिख रही होगी, पूरा कॉम्बो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बाय कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, होनी चाहिए किताब आपके पास है, पीवाईक्यूज कहाँ से करोगे, बाय करना चाहो कर सकते हो, चलो ठीक है। अब आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्लास 12th का जो वेटेज है, कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी कैसा भी पेपर आए, अगर आपके 25 सवाल आ रहे हैं तो 25 सवाल अगर आपको करने हैं तो उसमें 60% आपको क्लास 12th का करना रहेगा और 40% आपको क्लास 11th का, ठीक है, मतलब 30 सवाल आएंगे आपके तो 30 में आप ही मान के चलो, इस तरीके का हर शिफ्ट में ऐसा ही रहता है ऑलमोस्ट, राइट। अब मैंने क्या करा है, मैंने ना कुछ चैप्टर्स को डिवाइड करा बकेट में, पहले तो मैंने एक बकेट वन लिखा है, वो चैप्टर्स लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितना कठिन कितना शिफ्ट आ जाए, बट ये 5 चैप्टर से सवाल आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी एक सवाल आएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक या दो भी आते हैं मैक्सिमम, रोटेशन एक आएगा ही आएगा, मॉडर्न फिजिक्स एक आएगा आएगा, वेक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर, यहां से आपको 6 से 7 सवाल मिलने ही है चाहे कुछ हो जाए, ठीक। इसके बाद कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, वेक्टर्स हो गया, बेसिक मैकेनिक्स हो गया, इतना अगर आपने कर रखा है 11th का तो आप 12th का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई भी चैप्टर बीच से भी उठा लोगे तो भी पढ़ लोगे, सबसे अच्छी बात फिजिक्स यही है। अभी सुनते जाओ, देखो यार मैं सही बता रहा हूँ, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा हेल्पफुल है। अब मैं आपको सिलेबस कवरेज के 2 तरीके बताता हूँ और उन दोनों तरीकों को बताऊंगा कैसे कैसे यूज करना है, बस सुनते जाना क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका खुद का कोर्स जो चल रहा होगा, ठीक है, वो आप क्लास 12th में कर रहे हो, और दूसरा एक तरीका और है वो क्या है, आप ना मंजिल बैच के 8 आवर्स के वन शॉट देख लो सलीम सर के, और उसके बाद मोशन जेई करके एक चैनल है, 2021 का एक क्रैश कोर्स है क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो 2021 का क्रैश कोर्स देख लो और अपने मॉड्यूल का सॉल्व एग्जाम्पल का रिव्यू कर लो। तो ये है दूसरा पाथ, ये है सेकंड पाथ, और फर्स्ट पाथ क्या है, अपने कोर्सेज को देख लो, वो अपना फर्स्ट पाथ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आप क्लास 12th में कवर कर रहे हो वो तो आपको फर्स्ट पाथ से ही चलना है भाई, क्लास 12th में जो आप करेंटली कवर कर रहे हो वो तो अपने पहले पाथ से जैसे आप कवर कर रहे थे वैसे करते रहो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट क्लास 11th का जो बैकलॉग है आपका, जितना भी बैकलॉग है, आज बैठकर एक लिस्ट बनाओ चैप्टर्स की, भैया मेरे ये वाले 5 चैप्टर्स हैं जो कि मैंने क्लास 11th में नहीं पढ़े, एक एक चैप्टर आज ही से शुरू करो, 2 घंटा डेली देना, आज मैंने 2 घंटा दिया, कल दिया, परसों दिया, तरसों दिया, 2 घंटा आपको बस वन शॉट देखने हैं और जितना हो गया 2 घंटे में उतना, ठीक है, फिर अगले दिन देखेंगे। ऐसे करके आप 4-5 दिन के अंदर 8 आवर्स का वन शॉट मंजिल बैच का और मोशन जेई का सॉल्विंग सेशन कंप्लीटली निपटा दोगे। अभी क्वेश्चन सॉल्विंग में भी आऊंगा मैं, अभी मैं बता रहा हूँ अपने थ्योरी किस तरीके से जल्दी से कवर कर सकते हो। बाकी अगर आपका मान है कि भैया मेरे को तो खाली ना एडवांस में तरह क्लैरिटी नहीं चाहिए, भैया मेंस मेरा बढ़िया तरीके से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई आप डायरेक्टली ये 8 आवर्स के वन शॉट्स का यूज कर लो, बैच के लेक्चर स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग पे,
भाई देखो सबसे फोकस रिसोर्स तो पीवाईक्यूज है, ठीक। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इस समय बस एक काम करो, अपना कोचिंग का डीपीपीज यूज कर लो, अगर उसमें 80 से 100 सवाल है बहुत है, और पीवाईक्यूज यूज कर लो 2019 से लेके 2022 तक बस। इसके अलावा अगर आप कुछ और ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, मेंस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, 100% 60-70 मार्क्स आने आने, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब हमने भी कुछ मटेरियल बना रखा है, तो एक तो आपको ना जेई संकल्प की अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे jeisankalp.com पे जाके या जेई संकल्प के ऐप पे जाके, तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, वो आप दे सकते हो। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गए तो उसमें और प्रैक्टिस हो गई, लेवल वाइज डिवाइडेड है, लेवल 2 लेवल 3। अच्छा इसके बारे में सब डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, पर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपने पीवाईक्यूज कर लिए, तो अल्टीमेटली क्या है, आपने बस अपना डीपीपी ढंग से कर लिया, पीवाईक्यूज लगा लिया उसके बाद, और उसके बाद एक बार आपने ढंग से जेई संकल्प के टेस्ट दे दिए लेवल 2 और लेवल 3 के, बस आपका भाई मेंस लेवल पे आप रेडी हो गए, कोई आपको हिला नहीं सकता मेंस लेवल से, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का वो स्ट्रैटेजी वो है बताने वाला हूँ जिससे मैंने 90 मार्क्स बोल रहे थे। ये मेरी कॉपी है आपको जो दिख रही है स्क्रीन पर, राइट। देखो समझते जाना, सबसे पहले तो कैटेगराइजेशन स्ट्रैटेजी, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, मान लो मैं 5 सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आपने पहले सवाल से शुरू करा, आप लिखना स्टार्ट करो, पहले सवाल आपने सॉल्व कर लिया, उसमें लिखो ये टाइप 1 के थे, T1 लिख दो, फिर यहाँ पे T2 लिख दो, यहाँ पे T3 लिख दो, अगर अलग अलग टाइप के हैं ये T4 लिख दो, ठीक है। पांचवा छठा सवाल आप देखोगे इन्हीं में से कहीं में ऐसा होगा तो उसमें वापस T2 डाल दिया, मान लो T2 सही है, मतलब टाइप 2 टाइप का ही कैटेगरी का सवाल है, उसी तरीके की क्वेश्चन है, उसी तरीके का सवाल है। इस तरीके से जब आप अपना पूरा शीट को कैटेगराइज कर लोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई ये तो कुछ बस 7-8 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं यार, और अगर मैं इन 7-8 कैटेगरी के क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस कर लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा। अब आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में मान लो किसी प्रकार का सवाल गलत हुआ तो आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो कि भाई कौन सी टाइप का कौन सी कैटेगरी का सवाल था जो कि मेरा गलत हो गया था, समझ रहे हो। ये मैंने भी अपने टाइम में करा था, ये देखो वेव ऑप्टिक्स से लेकर आता, अभी आप जो चैप्टर बचे हैं जो 11th का कवर करोगे 12th का कवर करोगे अभी से बैठ कर काम चालू कर दिया ना मजा आ जाए, राइट। कैटेगराइजेशन स्ट्रैटेजी से आप क्या कर सकते हो, तो आपका रिवीजन टूल बहुत बढ़िया है। एक मान लो मैंने 10 कैटेगरी बना दी, ठीक है, 10 कैटेगरी बना दी, T1 T2 T3 डालते हुए 10 बन गई, तो बस मैं T1 का एक क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, T2 का एक करूंगा, T3 का एक करूंगा, T4 का एक करूंगा, ऐसे करते T10 तक एक एक करता रहूंगा, मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर 10 कैटेगरी से ज्यादा बनाओ मत, और उसके अलावा ये आपका हेल्प करेगा एक नए क्वेश्चन को टैकल करने में। कैसे, आप देख रहे हो आपके सामने एक नया सवाल आया, आपके दिमाग में तुरंत ही कैलकुलेशन लेगी कौन सी कैटेगरी से, कौन सी कैटेगरी से, किसी कैटेगरी से नहीं है तो उसका कंसर्न मैं फॉर्मूला सामने लिख दूंगा, फॉर्मूला लिखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ये इस कैटेगरी से कुछ कुछ हिल सकता है, इस कैटेगरी से हिलाया, इस तरीके से चल जाओ, तो ये कैटेगराइजेशन यूज करना स्टार्ट करो। इसके बाद दूसरा गेम ये है गेम चेंजर, डाउट कॉपी, ये मेरी डाउट कॉपी देख सकते हो आप, किस तरीके से मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में चीजें लिख रखी है। भाई क्या है ये, जो सवाल आपके डीपीपीज में नहीं हुए, आपके शीट्स में नहीं हुए, एक तो सबसे पहले चीज समझ लेना, बिफोर स्टार्टिंग योर डीपीपी शीट्स पीवाईक्यूज एनीथिंग एनी काइंड ऑफ सॉल्विंग, आप सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स को ढंग से रिव्यू करोगे कि भाई क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है। मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा फ्रॉम माई साइड DC पांडे सर की बुक उठा लो, उनके सॉल्व एग्जाम्पल्स ढंग से रिव्यू कर लो, ठीक, आपने ये देख लिया अच्छी तरीके से, और इनको जब आपने ना जो भी सवाल आपसे नहीं बने वो आपने अपनी डाउट कॉपी में डाल दिया, अब इस डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम हमने रिवाइज कर लिया, तो कैटेगराइजेशन स्ट्रैटेजी और डाउट कॉपी स्ट्रैटेजी भाई ये आपका गेम चेंज कर देगी, सही बता रहा हूँ पूरी तरीके से। आप ना आपको लगेगा भाई फिजिक्स तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, तो डाउट कॉपी में आप कैसे नोट डाउन कर सकते हो, एक तो पहला कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें ना कुछ ट्रिकी सा सोल्यूशन होता है, तो क्या करा भाई क्वेश्चन ऐसे नोट डाउन कर लिया शॉर्ट में, उसका सोल्यूशन जो था जो ट्रिकी वाला पार्ट था वो लिख लिया ताकि वो बार बार रिवाइज हो जाए आगे जाके, और कहीं कहीं ये होता है कि लैंग्वेज समझ नहीं आती क्वेश्चन की तो उसकी लैंग्वेज ही उतार ली, या स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, मोबाइल में भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके फोल्डर में रख लिया, तो इससे आपको समझ आ जाएगा। तो ये चीज आप अगर करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी आउट ऑफ द बॉक्स आपके सवाल हैं या आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, फिर आपका पीरियोडिक रिविजन आपको उसका करते चलना है, 10 से 15% आप ज्यादा सवाल सॉल्व कर पाओगे जितने आप अभी कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा फाइनली हर चैप्टर के बाद अपने एक बार शॉर्ट नोट्स बना लो, और इन शॉर्ट नोट्स को ना डेली के डेली आधे घंटा बैठ के बस एक बार रिव्यू कर लो। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मुला होते हैं, तो ये मैंने बना रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स कवर्ड है। मैं क्या करता था, एक दिन बैठा सारे एक बार शॉर्ट नोट ऊपर ऊपर से देख लिया, मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो ये डेप्थ अगर आप लेके आ गए 3 चीजों के, भाई मजा आ जाएगा मजा। इसके अलावा आपको कोई हिला नहीं सकता, इससे आपका सारा चैप्टर भी मेमोराइज हो गया और इससे आपका पीरियोडिक रिविजन भी हो गया, ठीक। बस आपको रिवाइज कैसे करना रहेगा, कोई चैप्टर उठाया डायरेक्ट अपने शॉर्ट नोट्स पढ़े,
कैटेगराइजेशन करके कैटेगरी के 10 कैटेगरी सवाल पढ़ लिए, डाउट कॉपी में जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ लिया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया दौड़ से, ठीक। तो ये काम आप करना शुरू कर दो। इसके अलावा सबसे पहले समझो, अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है सॉल्व एग्जांपल्स, और उसके बाद आता है सॉल्विंग सेशंस, जो मैंने आपको मोशन जेई के 2021 का क्रैश कोर्स देखने को बोला है, उससे आपके सारे के सारे जो सॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्विंग का पोर्शन है ना, सवाल कैसे बनाना है, कैसे खत्म करना है, कैसे शुरू करना है, सब आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये चीज आप करना चालू कर दो। बाकी सॉल्व एग्जांपल्स आपको करने ही है, डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड फ्रॉम माय साइड, कि डीसी पांडे बुक के सॉल्व एग्जांपल्स ढंग से रिव्यू करो, आपके क्वेश्चन 100% बनने लगेंगे। अगर ना बने उसके बाद भी ना, तो भाई एक बार वापस से थ्योरी पढ़ लेना। उसके अलावा सॉल्विंग सेशन के लिए यूट्यूब चैनल्स का यूज कर सकते हो, मोशन जी मैंने आपको बताया, वेदांतु पे भी बहुत सारे सेशन है, पीडब्ल्यू पे भी है बहुत सारे, तो कहीं से भी आप देख सकते हो। बाकी डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल देख सकते हो, एचसी वर्मा देख सकते हो, हमारे मॉड्यूल्स के देख सकते हो, हमारे मॉड्यूल्स हमारे टूल किट में भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टूल किट क्या है सब पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, ठीक है। इसके अलावा फाइनली आप हमारे जय संकल्प के ऐप पे जा सकते हो, जय संकल्प के चैप्टर वाइज दे सकते हो, उसके बारे में सब पढ़ाई है नीचे। अच्छा फाइनली एक चीज और बोलूंगा मैं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि 7 डेज में एटलीस्ट एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए फिजिक्स के अंदर। और कंप्लीट करने का तरीका क्या है, अपने बैच के लेक्चर्स जीपीपीज और पीवाईक्यूज मोर देन इनफ, अगर वो प्रायोरिटी वन में लाया कर रहा है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगानी है, मतलब उसमें लाया कर रहा है अगर बकेट वन में तो उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगानी है, और अपना 11th डेली के डेली 2-2 घंटा देकर बैकलॉग से कवर करते जाना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ फिजिक्स के अंदर आपके 70-80 मार्क्स ना आ जाए, और इसके बाद जितना भी अभी आपसे आज से पढ़ोगे उसके अंदर कैटेगराइजेशन स्ट्रेटजी और डाउट कॉपी बनाना ही बनाना है, शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के बाद बनाने ही बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स डेली के डेली रिवाइज करते चलने हैं। मैं आपको आज के दिन में आपको वो दे रहा हूँ कि भाई आपका 60-70 मार्क्स आना ही आना है। कुछ और यूट्यूब चैनल से बता देता हूँ, रिविजन चेकलिस्ट आप यूज कर सकते हैं आशीष सर की, अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बने वहां से बना लो, ठीक। दूसरा मंदिर बैच 8 आवर्स के वन शॉट, बाउंस बैक सीरीज 8 आवर्स के वन शॉट, वेदांतु पे जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनके आप 8 आवर्स के वन शॉट्स यूज कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा सॉल्विंग सेशन के लिए वेदांतु रेफर कर सकते हो, जेई वाला चैनल रेफर कर सकते हो, अनअकैडमी का चैनल रेफर कर सकते हो, और मोशन जेई का 2021 का क्रैश कोर्स सबसे बेटर ये थोड़ा सा मुझे लगता है। इसके अलावा सॉल्विंग के लिए आप अपना डीपीपीज कर लो, अगर डीपीपीज नहीं है जे सिंगल की शीट्स लगा लो, हमारे ऐप पे मिल जाएंगी जे सिंगल मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स करके, और उसके बाद पीवाईक्यू से कर लो, और आपका जे सिंगल का टेस्ट दे दो, आपका काम हो गया। टेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। खत्म कर लेते हैं वीडियो का, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए डिटेल्ड, तो आप इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक करा देना भाई, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और अपना टारगेट को नीचे कमेंट करो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ।